नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कार्यालय जिला से बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच की द्वारा से एक पत्रांक जारी किया गया है जो कि 4/5/2020 का ही है। देखिए आप, ये जो कि समस्त प्रबंधक प्रधानाध्यापक यूपी बोर्ड सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल जनपद बहराइच की तरफ से सबको जारी किया गया है। जो इस पत्रांक को लेकर आने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनको वास्तव में किसी जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरा शेयर भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ कि क्या जारी किया गया है। अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ के पत्र संख्या 304/68/5/2020 दिनांक 1/5/2020 के द्वारा निर्देशित किया गया कि कोविड 2019 विश्वव्यापी महामारी के दृष्टिगत दिनांक 24 मार्च 2020 से प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन है तथा प्रदेश के समस्त शैक्षिक संस्थानों को दिनांक 3 मई 2020 तक बंद कर दिया गया। यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि लंबे लॉकडाउन के कारण अभिभावकों की आर्थिक क्षमता में क्षरण हो रहा है। ठीक है, अतः अभिभावक शुल्क वृद्धि का भार वहन करने में काफी कठिनाई का सामना करेंगे जो कि उचित नहीं है। वर्तमान शैक्षिक सत्र में आरंभ के 3 माह में अध्यापन कार्य न हो सकने के कारण निजी विद्यालयों द्वारा इस वित्तीय वर्ष में फीस वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है। मतलब इस बार अगर वो फीस में वृद्धि करते हैं तो यह कोई औचित्य नहीं है, ऐसा जारी किया गया। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित प्रावधानों के क्रम में कोरोना वायरस के संगठन में दृष्टिगत लॉकडाउन के फलस्वरूप उत्पन्न आपात परिस्थितियों के कारण व्यापक जनहित में छात्रहित में समय विचार उपरांत यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त बोर्डों के समस्त विद्यालयों के प्रबंध तंत्रों द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 के शुल्क लिए शुल्क वृद्धि न की जाएगी तथा शैक्षणिक सत्र 2019-20 में नए प्रवेश तथा प्रत्येक कक्षा हेतु लागू की गई शुल्क संरचना के अनुसार ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्रों से शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी विद्यालय द्वारा पूर्व में ही शैक्षणिक सत्र 2020-21 में शुल्क वृद्धि करते हुए बढ़ी हुई दरों से शुल्क छात्रों से लिया जा चुका है तो बढ़ी हुई अतिरिक्त शुल्क को आगामी महीनों के शुल्क में समायोजित किया जाएगा। अतः उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मतलब कि यह है कि शुल्क वृद्धि नहीं की जा सकती। अगर किसी ने वृद्धि करके ले लिया इधर तो उसे 2020-21 में सम्मिलित करना पड़ेगा, समायोजित करना पड़ेगा फीस को, जो कि काफ़ी अच्छी खबर है अभिभावकों के लिए जो काफ़ी परेशान थे इस बीच में कि उनकी आर्थिक क्षमता कम हो रही है तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो इससे उन्हें अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं चुकानी पड़ेगी। तो कृपया इसको सभी लोगों तक शेयर करें जैसे कि यह सूचना सबको मिले और कोई भी अभिभावक अपने को ठगा महसूस न करे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।